अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड नेटवर्क विद निदा कादिर। आज मैं लाई हूँ बहुत ही इजी तरीके से बनने वाले स्नैक्स, जो कि पकोड़े और समोसे की तो कर देंगे छुट्टी। और आप सोचेंगे बस यही स्नैक्स हम बनाएं, क्योंकि इसमें ना आटा गूंदना पड़ता है ना अलग अलग आपको पट्टियाँ तैयार करनी पड़ेंगी, तो कैसे ये बनेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लूँगी एक पैन में पानी, एक गिलास पानी और 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। अब इन सब चीज़ों को हमने कर देना है मिक्स और इसे थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, मगर मैदा आपने पूरा एक साथ नहीं डालना, इसको थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड करना है, थोड़ा डाल के फिर मिक्स करना है ताकि इसमें ज़्यादा लम्स ना बने, आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो इसे मिक्स करने में। पानी और इसमें नहीं जाएगा, बस इतनी क्वांटिटी इसकी इनफ है। इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे और जब ये बिल्कुल हमारा पैन छोड़ देगा तो इसका मतलब है ये रेडी हो चुका है। तो इसे अच्छी तरह से हम पकाएंगे, मगर सारी चीज़ें हमने लो फ्लेम पे करनी है इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से हमारा ये जो है पूरा पैन इसने छोड़ दिया है, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें आटे जैसे होता है उस शेप में आ गया है। ये डो हमारी तैयार हो गई है, ठंडी भी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से पहले मैं एक बड़ा सा पेड़ा ले लूँगी बना के, और इस तरीके से इसको फैला के और एक रोटी नुमा शेप इसकी कर लेंगे। हाथों से फैला लें या फिर आप बेलन से फैला लें। और इसको हमने मोटा ही रखना है, मोटी रोटी। अब एक गिलास की मदद से हम इसकी शेप्स तैयार कर लेंगे जितनी हमें ये बड़ी शीट्स चाहिए। ये हमने ये तैयार कर लिया है, इसी तरह हमने बाकी भी सब तैयार कर लेनी है इसे दोबारा इकट्ठा करके। अब हमने क्या करना है, यहाँ 2 टेबल स्पून ऑयल का ऐड करना है इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी की भी कर सकते हैं, मगर यहाँ जो मैं कर रही हूँ वो आप करके देखें, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ हमने 1 कप गोभी ली है, इसको बारीक चॉप कर लेना है आपने। इस तरीके से इसको ऑयल में मिक्स करना है। अब इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे हम 1 टीस्पून, सिरका ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, नमक शामिल करेंगे अपने जायके के मुताबिक। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ही शामिल किया है अभी, क्योंकि आगे जाके आप चख सकते हैं, फिर आप कर सकते हैं कैसे मैनेज। तो अब हमने इसमें बॉयल किया हुआ श्रेडेड चिकन डालना है और बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम। अब यहाँ पर मैंने क्रीम और मायनीज जो हैं वो दोनों मिला के ऐड की हैं। इससे इसका जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा क्रीमी सा हो जाएगा और जायके में तो ये बहुत ही मज़े का बन जाएगा। थोड़ी इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। चाहे तो आप इस पे इस पॉइंट पे चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे ठंडा कर लेंगे और ये हमारे पास देखिए मिक्सचर अच्छा सा तैयार हो गया है। अब इसमें हमने सब शीट्स में हम ये रखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और क्वांटिटी आपने इतनी रखनी है कि ये आराम से जो शीट्स हैं वो बंद हो जाएं।
मतलब कि ज़्यादा ओवर इसको नहीं भरना हमने। एक कप मैदे से हमारी 12 जो पट्टियां हैं वो तैयार हुई थी, मतलब कि 12 स्नैक्स हमारे बन गए थे आराम से। तो ये देखें आप, इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करके और इसे बंद कर देना है। ये देखें कितनी आराम से ये बंद हो गया, ना इसमें पानी लगाने की ना इसमें आटे की स्लरी लगाने की ज़रूरत है, ये कुछ भी लगाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बंद हो जाता है। मतलब ये बनाना बहुत ही आसान है, आप ये ज़रूर ट्राई करें। और इसी तरीके से हमने सारे ये स्नैक्स बना लिए। अब हमने क्या करना है, एक अंडा फेंटना है और पहले अंडे के अंदर हम इसको डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में इसे लगाएंगे अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करके। और पहले हम रखते जाएंगे सारे बना के, और फिर हम ऑयल को गरम करके और इसमें डाल देंगे। ऑयल को आप ज़्यादा गरम ना कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं गरम होना चाहिए, और ये खाने में इतने मज़े के लगेंगे कि आपका दिल चाहेगा कि पकोड़े और समोसे बनाने से बेहतर है कि आप यही बनाएं बार बार। लो फ्लेम पे इसे हमने फ्राई करना है इस तरीके से। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बनी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो फटाफट से आप देख सकें। ये देखें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अब इन्हें हम पलट लेंगे अच्छा प्यारा सा कलर आने पे। ये देखें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है इसका। और ये स्नैक्स बनके हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखें कितने मज़ेदार ये लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।